भाई बहन के अटूट रिश्ते को कोई सीमा और कोई सरहद नहीं रोक सकती। ये बंधन ऐसा है जो सिर्फ एक रेशम के धागे से जुड़ा होता है, लेकिन मजबूत इतना कि इसके प्यार में बहन कोसों दूर होते हुए भी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने आ ही जाती है। ऐसे ही एक रिश्ते को निभाने के लिए सात समुंदर पार से विदेशी महिला अमेरिका से हर साल रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने के लिए पुष्कर आती है। इटली मूल की निवासी हाल अमेरिका में रह रही मारा सांद्रे उर्फ माया हर साल रक्षाबंधन के पर्व पर अपने भाई हरिनारायण पाराशर को राखी बांधने के लिए पुष्कर आती है। मारा की यह मुलाकात हरि से करीब 17 साल पहले हुई थी। तब से ही मारा हरि को अपने भाई की तरह मानने लगी। यही नहीं, हरि ने मारा का नाम भारतीय भाषा में माया रख दिया। इस रिश्ते का दोनों ही बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। मारा पुष्कर घूमने के लिए आई थी तो अपनी दुकान पे मारा जी आए थे, तो उस समय इनसे संपर्क हुआ और उन्होंने मुझे ब्रदर मान लिया और तब से मेरे राखी बांध रही है। 96 से ये हो गए लगभग 17 साल। हालांकि यहाँ भाई बहन का प्यारा सा रिश्ते को कोई मोल नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों भाई बहन इस रिश्ते को पारंपरिक तरीके से निभाते हुए दोनों एक दूसरे को उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ देते हैं। हरि ने अपनी बहन माया को उपहार में एक साड़ी व कुछ नगद राशि भी दी। माया साथ ही हरि के घर के अन्य सदस्यों के साथ भी कुछ देर बिताती है और बुजुर्गों से झुक कर आशीर्वाद भी लेती है। I want to give this message. In the life, I don't have any brother, any sister. But since I come in India, I have a very nice brother like him, and like other brother I have, and I don't feel alone, and I feel very good. Happy Raksha Bandha for everybody.